हेलो। हाँ शरद, हाँ मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। या ओके 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 ओके। साहब, आप ड्यूटी के बजाय चाय की दुकान पर टाइम पास कर रहे हो। उधर देखो, आपकी ड्यूटी कोई और कर रहा है। अरे बाप रे, सॉरी सर। क्यों भाई, सैल्यूट मारने या गप्पे मारने के लिए ड्यूटी पे आते हो क्या? क्या तुम इसी तरह ड्यूटी निभाते हो? हाँ, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम पुलिस डिपार्टमेंट के हैं और पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक के पैसों से ही हमें पगार मिलती है। सर गलती हो गई सर। क्या गलती हो गई? पहले ईमानदारी से एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की तरह अपनी ड्यूटी निभाना सीखो और याद रखो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, दोबारा अगर देख लिया तो माफ नहीं करूंगा सर। सुरेश, ये जरूरी है क्या? क्या हम जी नहीं सकते? हमारे घर वाले पुराने विचारों के हैं, हम लोग उनके खिलाफ जा नहीं सकते, इसलिए अलग होकर जीने से अच्छा है हम साथ साथ मर जाएं। पागल। नमस्ते साहब। नमस्ते। लड़की की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसे मिल जाते हैं साहब? हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बार भाई से भी पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है साहब। ए रुको, घास तोड़कर अगर हम टोपी के अंदर रखेंगे तो सर ठंडा हो जाएगा ना? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सर पर रखने से सर ठंडा होता है माँ। डैडी आप भी रखिए ना। नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं रखना है। खुजली होगी इसलिए डरते हैं क्या? खुजली? <laughs>
यौवन बीता यौवन आया ये क्या मुझको हो गया। कलियों के संग में फूलों के रंग में दिल कहाँ मेरा खो गया। दया रे दया रे दया 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 रे पहले से दिल मेरा पंछी बन के उड़ गया रे उड़ गया रे। छोटी छोटी उम्र के सपने हजार आने लगा मुझ पे जवानी का निखार। खबर न थी मैं।